झोलाछाप डॉक्टर के द्वारा महिला का गर्भपात करने के दौरान महिला की मौत। महिला की मौत के बाद परिजनों में आक्रोश। परिजनों ने महिला को झोलाछाप डॉक्टर के यहां भर्ती कराने का आशा बहू पर लगाया आरोप। अस्पताल के कर्मचारियों पर परिजनों के साथ मारपीट का लगाया आरोप। स्वास्थ्य विभाग के संरक्षण में चल रहा झोलाछाप डॉक्टरों का गोरख धंधा। हॉस्पिटल में पहले भी कई हो चुकी है महिलाओं की मौत। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे हैं निर्दोष। बेजोय शिव हेल्थ केयर सेंटर का मामला। सर मेरा संदीप सिंह नाम है। क्या घटना हुई है? सर घटना ये हुई है, ये गांव में थी समसोई में, मतलब समसोई में इन्होंने जो है इसके दो महीने का बच्चा खराब बताया था। हमारे गांव की आशा, इनका नाम कहते हैं मनीषा गुप्ता है, मनीषा गुप्ता है, वो जो डायरेक्ट इन अस्पताल में लेके आए। ये मेरा भाई अनपढ़ है, इन्होंने सर पे वो कहते हैं सर्विस को कहते हैं सफाई करने के लिए बोला, अंदर ले गई सफाई करा, चीखी चिल्लाई खूब, और इन्होंने जो है फिर क्या तुम्हारी बुक भरेंगे कर ली, भगने करने लगी, वही मृत घोषित हो गई। तो इन्हें बाहर ला के दर्शन कराने लाई थी। जी जी जी, तो मृत घोषित हो कहते हैं ये चीखने चिल्लाई लगी, तो हमारे भाई भाग कर पहुँचे, ऐसे चीख हो रही है, तो वो भंगड़े में ला रही, बेहोश हो बेहोश हो गई। एक काम करो, उसको ब्लड चढ़ाकर तुम चंदोसी लेकर भागो। तो ये चंदोसी लेकर भागी, वहाँ जो है मृत घोषित कर दिया गाड़ी में। ये कौन सा अस्पताल है? ये जो है शिव हेल्थ केयर सेंटर है। यहाँ पर 2 साल पहले भी सील हो चुकी है बॉडी, 2 साल पहले यहाँ पर कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है, यहाँ पर कई लोगों को मोतीहाट उतार दिया गया इसी कारण। सर ये झोलाछाप डॉक्टर के यहाँ पर गर्भपात कराने गई महिला की मौत हुई है, क्या है मामला? जिसे पता चला है कि किसी सिविल हॉस्पिटल पे जिससे डेथ हुई है, तो जो हमारे नोडल अधिकारी हैं उनको भेज के पता लगाते हैं क्या मैटर है। ऐसा कुछ अगर हुआ है तो उसके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। परिजनों ने आरोप लगाया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल पर जो है आशा लेके आई है यहाँ पर महिला को, वो पहुँचा के लेके गई। इसके नोडल जैसे मैंने बताया अभी कि डॉक्टर ब्रास यादव हैं, उनको जानकारी उनको दे दी गई है और वो अभी पहुँचने वाले हैं, और पहुँचते ही उसकी जांच करेंगे और उसके जो खिलाफ होगी कार्रवाई करवाएंगे। सर आशा इस अस्पताल में लेके गई है प्राइवेट में, इस पर क्या कहना है? तो उस आशा के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, पता अभी लगाते हैं कौन सी आशा है, कहाँ की आशा है। ये उन्होंने बताया कि मनीषा गुप्ता नाम है उस आशा का, जो यहाँ पर लेके आई थी, उसी गांव की है वो। जी जी, चलो मनीषा जो भी है, जो आशा का पता लगाते हैं, अगर वो लेके आई है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उसकी जो सेवा है उसे समाप्त करा दिया जाएगा।